नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास की। आज के वीडियो में हम आगे के बचे हुए समास कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं कि दिए गए पद में कौन सा समास है, ये जानेंगे। समास टोटल 6 होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास जिनकी पिछले वीडियो में हमने बात की थी, उसके बाद कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद समास और बहुव्रीहि समास। आज हम शेष सभी समासों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी यूपीपी बात का जो पद होता है वो प्रधान होता है। दूसरी जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें विशेषण विशेष्य का रिलेशन होता है। इनमें विशेषण और विशेष का विशेष्य का संबंध होता है। कैसे? चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, तुलना की जा रही है इसमें। बस ये ध्यान देना होता है, इसमें तुलना की जाती है, एक की विशेषता बताई जाती है और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। कमल के समान चरण, चरण कैसे हैं? कमल के समान है, उनकी विशेषता है, तो ये विशेष्य हो गए और कमल उनका विशेषण हो गया। जहां दोनों पदों के बीच में तुलना की जाए वहां कर्मधारय समास होता है। महादेव, महान है जो देव, बाकी देवों की मतलब बाकी देवता भी हैं, बाकी देवताओं में भी महान है जो देव, यहाँ पर भी बाकी देवताओं से तुलना की गई और जो महादेव है वो कौन है? महादेव। प्राण प्रिय, मृद नयन, अधमरा, परमानंद, ये सभी कर्मधारय समास है। यहाँ पर दोनों पदों में आपस में तुलना की जा रही है। प्राण प्रिय, प्राणों से भी प्रिय, प्राणों से तुलना की जा रही है प्रिय की। मृग नयन, मृग के समान नयन, अधमरा, आधा मरा, परमानंद, परम है जो आनंद, तो जहाँ पर भी तुलना की जाती है वहाँ पर, जहाँ पर भी विशेषण विशेष से संबंध होता है, जहाँ पर भी उपमेय या उपमान की बात की जाती, उपमेय और उपमान की बात की जाती है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अव्ययी भाव समास के बारे में मैंने बताया था, जहाँ पर भी यथा, आ और यावत, आवत, हर, इस तरह के अव्ययी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो अव्ययी भाव समास होते हैं। इनका जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं जिनका विवरण मैंने बताया था। अब कर्मधारय समास, इसके बाद बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास पहचानने में बहुत ही आसान होता है, ये संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक एक शब्द इसमें हमको जरूर मिलता है। अगर आपने हमारा संख्याओं वाला, संस्कृत की संख्याओं वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये समास पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। दोपहर, दो पहरों का समूह, संख्याई, चौराहा, जहाँ पर 4 रास्ते आकर मिलते हैं, संख्याई, नवरात्र, संख्या आई, नव, चौ और दो, तो द्विगु जो द्विगु समास होता है, द्विगु वो होता है संख्यावाचक, द्विगु। अब आप इसको याद रखिएगा, द्वि द्वि, इससे आपको याद रहेगा, जहाँ द्वि आए, द्वि समास, द्विगु समास वो है संख्यावाचक। इसके बाद बात करेंगे हम द्वंद समास की। द्वंद का मतलब आप जानते हैं? द्वंद का मतलब होता है परस्पर, जिसको कहते हैं लड़ाई, कह सकते द्वंद हो रहा है, युद्ध में द्वंद। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी एक पद प्रधान नहीं होता है, दोनों ही बराबर से डटे होते हैं अपनी अपनी जगह, दोनों में द्वंद होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं इसमें। और जब इनको अलग किया जाता है तो अलग करने में जो बीच में शब्द हमें मिलता है वो मिलता है और, अथवा, या, ये 3 शब्दों में से ज्यादातर हमें
शब्द मिलते हैं, जैसे राजा प्रजा, राजा और प्रजा, नर नारी, नर और नारी, ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म। वैसे तो द्वंद समास पहचानने में ऐसे ही आसान है, लेकिन प्रायः इन दोनों पदों के बीच में ये योजक चिन्ह बना रहता है, ये इसकी एक विशेष पहचान है। जो द्वंद समास होता है उसके बीच में योजक चिन्ह बना हुआ रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास क्या होता है? ना ये UPP होता है, ना ये PPP होता है, और ना इसमें कोई द्वंद होता है। ये दोनों पदों को छोड़कर ये किसी और की ही बात करता है, बहु बात करता है, ये अपने की बात नहीं करता, बहु की बात करता है, किसी और की बात करता है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। यहाँ पर ना नील की बात की इसने, ना कंठ की बात की, ना पहला पद प्रधान हुआ, ना दूसरा पद प्रधान हुआ। नीला है कंठ जिसका, अब किसका कंठ नीला है? शिव, अर्थात शिव। तो यहाँ पर नील कंठ, उनका कोई शब्दिक ना अर्थ लेकर एक नया अर्थ हमें मिला, शिव। नील कंठ किसे कहते हैं? शिव को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कंठ नीला है विष पीने के कारण। तो एक नया अर्थ निकल के सामने आता है, वहां होता है बहुव्रीहि समास। दशानन, घन श्याम, घन श्याम, जो बादलों के समान श्याम है, मेघों के समान श्याम कौन है? कृष्ण। तो यहाँ किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? एक तीसरा पद प्राप्त होता है इसमें, ना ये प्रथम पद प्रधान है, ना द्वितीय पद प्रधान है। तो आपने सारे समासों को एक बार क्विक रिवीजन चेक कर लेते हैं। अव्यय भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है, उसी से इनकी पहचान होती है। उसके बाद में तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जिनको भी कारक अगर आते हैं वो एक बार मेरा वीडियो देख लेंगे, उनको तत्पुरुष समास बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। उसके बाद में कारक तत्पुरुष समास में बीच में पदों के बीच में विभक्तियों का लोप होता है और इसका उत्तर पद प्रधान होता है। उसके बाद कर्मधारय समास में उत्तर प्रधान पद प्रधान होता है, और यहाँ पर पदों में आपस में तुलना की जाती है, इनमें विशेषण विशेष या उपमेय या उपमान का संबंध होता है। द्विगु समास द्वि संख्यावाचक है, द्वंद आप मतलब परस्पर द्वंद है, ना मैं छोटा हूँ ना मैं छोटा हूँ, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें, और लगा दिया जाता है ताकि किसी को छोटा बड़ा फील ना हो। उसके बाद बहुव्रीहि समास, ये बहु बात करता है, ये बात हमेशा दूसरों की करता है, ना इसमें पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि अब समास पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अभ्यास बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अपने अगले वीडियो में कुछ पद वीडियो के ख़त्म होने पर कुछ आपको दूंगी पद, आप कमेंट करके बताइएगा कि उनमें कौन सा समास है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप अब आपको प्रैक्टिस करने को ही बचा है, जो मेन उसका पॉइंट है वो आपके दिमाग में आ चुका होगा, और ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो CTET हो, UPTET हो, कोई भी हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, PGT हो, TGT हो, ये पूछा जाता है। और अक्सर इसको कमज़ोर लोग जो उच्च स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं हल्के में लेके कई बार नुकसान उठाते हैं, तो इसको भी इन चीज़ों पर भी ध्यान ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। धन्यवाद।